नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा YouTube के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ उस मारवाड़ी कहावत की, जो वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में प्रसिद्ध है लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा चर्चा में है। और चर्चा में रहने का कारण यह है कि अभी चंद दिनों पहले कुछ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री व PCC चीफ के आवास पर पहुँचे थे। स्कूल टाइम में ज्ञापन देने आए शिक्षकों को देख मंत्री महोदय को गुस्सा आ गया और मंत्री जी ने उन शिक्षकों को वहीं अपने आवास पर बैठा लिया और कहा कि यदि ये शिक्षक छुट्टी लेकर नहीं आए हैं तो इन पांचों को सस्पेंड किया जाए। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि उन्होंने उनके आवास को नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या। इसके बाद नाथी का बाड़ा कहावत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। अब बहुत से लोगों ने ये कहावत सुनी भी है और अपनी शब्दावली में भी उपयोग किया होगा, लेकिन ये कहावत क्यों बनी, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कम ही लोगों की जानकारी में है। इसलिए आज हम नाथी का बाड़ा कहावत की संपूर्ण कहानी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के पालीवाल समाज में 60 खेड़ों के एक छोटे से गांव जिसका नाम भागेश्वर है, यहाँ एक बाल विधवा नाथीबाई पालीवाल तेजड़ गोत्र मुदगल से थी। कहते हैं कि ये कहानी करीब 150 से 200 साल पहले की है। नाथीबाई के विवाह के साल भर बाद ही उनके पति का निधन हो गया था। समाज की प्रथा के अनुसार पुनर्विवाह नहीं होने के कारण नाथीबाई का घर परिवार गांव व खेड़ों में नाथीबाई का बहुत ही आदर भाव व मान होता था। मान आदर भाव के कारण परिवार व गांव के लोग कोई भी काम करते थे तो नाथीबाई को पूछकर ही करते थे। इस तरह धीरे धीरे उम्र दराज होते हुए नाथीबाई घर परिवार गांव की मुखिया बनकर हर तरह के लेन देन करती रहती थी। कहते हैं कि नाथीबाई के परिवार के पास अपार धन संपत्ति थी। नाथीबाई अपनी पोल में लकड़ी के पाट पर बैठी रहती थी। किसी गांव खेड़ा के किसी भी जाति के परिवार में शादी विवाह मायरा भात व कोई काम के लिए रुपयों की जरूरत होती तो वह नाथीबाई के पास आता था और रुपये पैसों की जरूरत बताता था तो नाथीबाई हाथ से एक अलमारी की ओर इशारा करती कि जितने चाहिए उतने ले जा। इस प्रकार जिस किसी व्यक्ति को रुपये पैसों की जरूरत होती तो वह व्यक्ति नाथीबाई के पास आता और नाथीबाई अलग अलग बारियों की ओर इशारा करती थी, जिस व्यक्ति को जितने रुपयों पैसों की जरूरत होती उतने ले जाता था। साल दो साल बाद उधार पैसे लेकर गए व्यक्ति अपनी ईमानदारी से नाथीबाई के पोल में आकर कहते, नाथीबाई आपके रुपये ले लो, तो नाथीबाई कहती जहाँ से लिए उसी बारी या अलमारी में रख दो। इस प्रकार नाथीबाई के पास कोई हिसाब किताब व लेखा जोखा नहीं लिखा जाता था, ना ही जो व्यक्ति रुपये लेकर गया उससे हिसाब पूछा जाता था। इस प्रकार किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं होती थी। नाथी के घर को बाड़ा कहा जाता था। हर किसी जरूरतमंद का संबल था नाथी का बाड़ा। नाथीबाई जिस किसी गाँव या खेड़े में जाती वहाँ ठहरती, रात्रि विश्राम करती तो सनातन संस्कृति के आधार पर जात पात से दूर नाथीबाई पूरे गाँव को भोजन खिलाती थी। इसके अलावा भी कई किस्से प्रचलन में है नाथीबाई के, चूंकि ये सनातन परंपरा से जुड़ी ईमानदारी की सीख देने वाली कहावत है। घर को नाथी का बाड़ा बनाने के लिए क्षमता की आंख, क्षमता के हाथ और विनम्रता का भाव चाहिए, तब जाकर कोई घर नाथी का बाड़ा बन पाता है। वैसे हमारा उद्देश्य कौन सही है या कौन गलत है इसके बारे में बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो आपके पास जो ऐतिहासिक कहानी है उसके बारे में जानकारी देना है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, साथ ही साथ जानकारी में कोई कमी त्रुटि या कोई भूल हो तो वो भी हमें जरूर बताएं, हम आपके सुझावों पे जरूर अमल करेंगे। जल्द मिलते हैं अगली कहानी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।